वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब कीजिए और मिलिए आज इस शैतान से जो हमें हफ्ते में मिलता है। हाँ मम्मी खिंचवाता नहीं फोटो। मैंने अभी जब शादी गई थी 5 तारीख को, मैंने इसको इतना बोला फोटो क्लिक करवा लेंगे। यार कब करवाओ, जब शादी खत्म हो जाएगी तब। शादी खत्म हो भी गई इसने तब भी नहीं करवाई, बताओ। देखो ये मुझे यहाँ से धमकी दे रहा है आंखें निकाल निकाल के। कैसे क्या करके दिखाइए दोबारा। 4 तारीख को एंजॉय करेंगे। मैं मार दूंगी। चल और से सांप उड़वा लेगा अपना। बड़ी बड़े अपना। एंड अगेन हमारे घर में एक और शादी आ गई है। मामा जी की लड़की है, मेरे कजन सिस्टर की शादी आ गई है। और अच्छा मैंने तुझसे पूछा था ना 1 कप बनानी है, फालतू बनानी है। एक कप हो गया। हाँ 1 कप हो गया। कप वो भी होते हैं जब तक वो लाहौर के 1.5 कप पी आओगी। पता नहीं क्यों पंगे लेता है इतने। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, हाँ शादी है, मैं ये कह रही थी घर में शादी है। मुझे अगर इतनी शादी आ गई ना, इतनी शादी के व्लॉग्स आ रहे हैं बैक टू बैक, मैं मुझे लग रहा है कि शर्मा व्लॉग को हटाकर वेडिंग व्लॉग्स का नाम रख देना चाहिए मेरे चैनल का नाम। क्या कहते हो आप लोग, बढ़िया ना? नहीं तो नहीं। और जो भी हमारे रेंट वाले आने वाले हैं, रेंट ऊपर का फर्स्ट फ्लोर है ना, फर्स्ट फ्लोर या आठवां फ्लोर है। हाँ फर्स्ट फ्लोर रेंट पे हो गया है। अरे यार मुझे मेरी चाय तो दे दो। चाय तो डाली नहीं यार, आप खुद पार्टी कर रहे हैं यार ये दोनों, ना तो मेरा इंतजार किया ना पापा का। और अभी तो ब्रेकफास्ट भी बनाना है मैं। हाँ अभी शादी आएगी, रुको सबर करो। और अभी ब्रेकफास्ट भी बनाना है, लंच बनाना है, ब्रेकफास्ट तो ये भी हो ही गया। अभी हम ताऊ जी के घर जा रहे हैं और तू घर का ध्यान रखियो, ठीक है? बाय। ओह इतना प्यार से तू अगर मुझसे डेली बोल लेना, मैं तेरे आगे भीख मांगूंगी। मांग ली गाड़ी। बाय सोना। कभी मेरे को बोला आपने इतने प्यार से है? मेरे को बस मेरे पापा प्यार से बोलते हैं। 2 hours later मम्मी ने बनाए हैं आलू के परांठे और क्या है मम्मी, चटनी, प्याज टमाटर की चटनी है। और ये खीरे प्याज का रायता मैंने बनाया है, बहुत अच्छे लगते हैं, जो बिरयानी के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। सब कुछ मैंने बनाया है, बस परांठे मम्मी बना रही है। ये जैसे कि मैंने बताया था कि रेंट पे आना है, फर्स्ट फ्लोर पे रेंट वाले को आना है, मतलब फैमिली को आना है, तो वो लोग आ गए भैया। और यहाँ से दिख रहा है जिसमें ये सामान लेकर आए अपना, जो शिफ्ट कर रहे हैं ऊपर। बहुत ज़्यादा यम्मी बने, बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं। वैसे मैंने सोचा था कि आज मैं पाव भाजी बनाऊं या फिर फ्राइड राइस बनाऊं, पर टाइम ही नहीं था क्योंकि हम पहले ताऊ जी के घर चले गए। देखो क्या हो गया। One eternity later. 8 बज चुके हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग आज रात को डिनर पे जाने वाले हैं ताऊ जी की फैमिली के साथ। और मेरा भाई यहाँ पर परेशान हो रहा है क्योंकि एक भाई ने इसको 6 बजे बोला था कि मैं आ रहा हूँ, पर वो अभी तक नहीं आया। इतना लेट कोई कैसे हो सकता है। और ये बेचारा वेट करता करता रह गया। और मैंने इसको बोला कि फोटो क्लिक करवा ले, पर इतना इरिटेट हो गया मुझसे, फोटो ही नहीं क्लिक करवा रहा। मुश्किल से 1-2 फोटो क्लिक करी है। और सामने अभी मम्मी बैठी हैं, हो गई है तैयार, बिल्कुल सिंपल साधारण सी। मेरी माँ बहुत सुंदर लगती है। मम्मी को सिंपल रहना ही बहुत पसंद है। ताकि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये रात के 12-1 बजे तक ये खाता है, तो देखिए आज ये अपना पूरा पैकेज लेके बैठे। ये हो गया, ये ब्लू लेस हो गया, और छुपा क्यों रहा है, स्ट्रॉबेरी भी देखो, आज ये स्ट्रॉबेरी भी लेके आया। अब रात को खाएगा पूरा। और अब नानी जी के कॉल आ गए। नमस्ते नानी जी। नमस्ते, कैसे हो नानी जी? ओ, वीडियो बनाओगे? हाँ जी।
वीडियो बनाओगे? हाँ जी हाँ जी। हाँ। कैसे हो? अच्छी हूँ। अच्छा नानी जी, मैं मम्मी की शिकायत लगा रही हूँ आप। शिकायत लगा ले, सुन लो कि मैं तो शिकायत सुना। अच्छा फिर मम्मी को डांटोगे नहीं क्या आप? मैं तो आऊं जी, डांट के आऊं तुम क्यों पूरी मुस्कान ने तुम काया करे तेरा आगे नहीं का हूं कितनी बार डांट तुम क्यों काया करे तू इतनी बड़ी है। कहते हो कहते हो। ये लो बस सुनाती रहती है मम्मी वही पुरानी आदतें। अच्छा नानी जी की कॉल आई थी मैरिज में आने के लिए, पूछ रही थी वो। और वीडियो मस्त हो गया, अभी हम जाते हैं, 8 बज चुके हैं, हम लोग 7:30 से रेडी हो रखे हैं। आप देखी थी कल वाली? पापा आ गए हमें लेने के लिए, मम्मी लॉक कर दिया ना। पापा हमें तो ले जाओ। नमस्ते ताई जी। गुड मॉर्निंग गाइज, हैप्पी शिवरात्रि। आज है शिवरात्रि और मैंने फास्ट रखा हुआ है, पापा ने फास्ट रखा हुआ है, मतलब सबने फास्ट रखा है। यश का मुझे नहीं पता कि उसने फास्ट रखा है या नहीं रखा, क्योंकि उसका LLB का एग्ज़ाम है, वो सोनीपत गया हुआ है एग्ज़ाम देने के लिए। और हिसार से सोनीपत होगा 3 घंटे तो लगते होंगे, 2.5-3 घंटे, फिर वहाँ भी 3 घंटे बैठना, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। फिर मुझे नहीं पता कि उसने फास्ट रखा है या नहीं रखा, और जब आ जाएगा तब देखते हैं उसने फास्ट रखा होगा या नहीं रखा होगा। मैं कितनी बार बोलूँगी एक ही बात। तो अब मम्मी गई हुई है पार्लर में और मुझे अभी मम्मी को लेके आना है, अभी मम्मी की कॉल आने वाली है। और जैसे मैंने बताया था कि घर में एक और शादी आ रही है मामा की लड़की, तो हम कल जा रहे हैं हासी, आपको दोबारा से वेडिंग व्लॉग्स देखने के लिए मौका मिलेगा। मम्मी की कॉल भी आ गई है, एक सेकेंड, वॉइस कॉल फ्रॉम मम्मी की कॉल भी आ गई है। और अब मैं जाती हूँ मम्मी को लेने, और हमारी पैकिंग भी हो चुकी है। ये हो गई हमारी पैकिंग, बस मम्मी की पैकिंग हो गई है, बस मेरी पैकिंग रहती है, मैं मम्मी को लेके आती हूँ, फिर आकर मैं पैकिंग करूंगी और फिर एक बार फिर से आपको वेडिंग व्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे। वेडिंग व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इंतज़ार कीजिए मेरे आने वाली नई वीडियोस का। बाय बाय।